हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के बारहवें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे सॉरी तीसरे चौथे को पढ़ेंगे तो आप में से कोई हो सकता हो कि ब्रह्मा जी को डायलॉग बोल दे खुश तो बहुत <laughs> हो गए <गता। laughs> तुम तो जी जी ब्रह्मा बन गए हो ना सब कुछ है तुम तो घुमा रहे हो अपना अंध तामिश्र से तामिश्र से है ना <laughs> बहुत सबको घुमा रहे हो खुद तो इसमें फंसे नहीं दूसरे को फंसा रहे हो खुश तो बहुत हो गए तुम लेकिन ब्रह्मा जी खुश नहीं है पहले हमने सुना क्या था जरा देख लेते हैं ससर्जाग्रे अंधता मिश्रम अथता मिश्रम आधिकृत महामोह च मोहम च तमश्चाज्ञान ससर ससर्ज अग्र अपनी सृष्टि की शुरुआत में आदिकृत अर्थात ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी ससर्ज माला सृष्टि करी क्या सृष्टि करी सबसे पहले सृष्टि करी है तम की सबसे लास्ट में तम मतलब स्वरूप का अप्रकाश उसके बाद करी मोह की मोह मतलब जो मैं नहीं हूं उसमें यानी देह आदि में आत्मबुद्धि उसके बाद महामोह भोग इच्छा और मतलब जब भोग इच्छा पूर्ण नहीं होती तो क्रोध और अंत अर्थात मृत्यु का मैं मर जाऊंगा जी नहीं मिलेगा भोग ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण पता है कौन है प्रत्यक्ष मतलब ज्वलंत तो उदाहरण है कंस कंस ने केवल यह सुना कि देवकी का भावी पुत्र बच्चा पुत्र या पुत्री नहीं बताया जो गर्भ होगा वो उसको नाश करने वाला हो जाएगा तो अब इतना ज्यादा वह घबरा गया कि ये तो मेरी साक्षात मृत्यु है जबकि की नहीं मारने वाली थी उसका बच्चा होता नहीं होता नहीं क्या कौन, कौन जाने इतना भयभीत हो गया कि वो उसको मारने के लिए तैयार हो गया अपनी बहन को उसकी शादी के अवसर पर कैसे सोच सकता है कोई व्यक्ति तो वहां बातें आई हैं कि वसुदेव जी कहते हैं उसे कहते हैं कि भाई देखो अगला देह निर्धारित होता है जैसे आप पांव दूसरा मतलब उठाओगे अगला स्टेप बाद में रखोगे पहले न पिछला वाला, वाला स्टेप आप बाद में उठाते हो पहले अगला वाला स्टेप रख लेते हो तो कहते हैं अरे हाँ लेकिन अचारगढ़ बोलते हैं लेकिन भैया देखो राजा का देह नहीं मिलेगा ना जितना भोग मुझे यहाँ मिल रहा है राजा के देह में वैसा नहीं मिलेगा अगला देह मिलेगा लेकिन जरूरी तो नहीं है कि राजा का ही मिले इसलिए मुझे इस राजा के देह को बचाना चाहिए फिर है नहीं हाँ वसुदेव जी इस पर कहते हैं कि देखिए जिसको जो देह मिलता वो अच्छा लगता है आप में से किसको अपना देह खराब लगता है प्लीज़ रेज हैंड <laughs> जगत में देखा जाता है कि शरीर नहीं छोड़ना चाहता व्यक्ति तो कह रहे हो चिंता मत करो लेकिन पॉइंट बहुत सिंपल है पॉइंट यह है कि व्यक्ति को डर लगता है मृत्यु से क्योंकि उसको भोग छूटने का डर है ये बात है लोगों को डर लगता है उनकी बात कर रहा हूं ठीक है कुछ लोग ऐसे यहां पे ऐसे ऐसे कर रहे हैं कल्याण रोग डर लगता है कि कल खाना कैसे मिलेगा तो शरीर को जब शरीर छोड़ने का डर ही नहीं है और आज तक तो कभी भूखे मरे नहीं आज तक तो कभी भूखे रहे आप पता नहीं रहे कि नहीं रहे भगवान की कृपा से नहीं रहे तो अब भगवान की कृपा तो कल उनका नल जो खत्म हो जाएगा ना पानी समाप्त हो जाएगा वो टैंक भरेंगे वैसे उसे ना टुल्लू चलाओ रहे भैया टैंक भर गया कृष्ण की कृपा कभी नष्ट नहीं होती है खार ये बात आप समझ गए कि ब्रह्मा जी बड़ी खराब सृष्टि की एंड इट वॉज समथिंग उसे कहते हैं थैंकलेस टास्क वो भगवान के भक्त हैं वो शुद्ध भक्त हैं और उनको ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन क्योंकि हम लोग चाहते हैं इंद्र तृप्ति करना इसलिए उन्हें करना पड़ा जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोग वैष्णवों को प्रसाद खिलाना चाहेंगे और कितने लोग वैष्णवों को गेट पर रोकना चाहेंगे आई डोंट थिंक आपने कभी ऐसा किया है और हमने ऐसा किया है एंड इट्स नॉट समथिंग विच आई लाइक टू डू लाइक पास्ट टेंस कोई भक्त प्रसाद के लिए आ रहे हैं आपने सुने ना जय का केस क्या के होता तो है अब वहाँ तो भोजन के लिए भी नहीं आ रहे थे केवल दर्शन के लिए आ रहे थे रोक दिए तो बस दिक्कत है और भोजन के समय तो साधु साधुभाग बराबर होता है हाँ सभी को दिक्कत होती है उस टाइम किसी को रोक देना कि आप यहाँ नहीं आ सकते या इधर जाइए उधर जाइए ये सब करना तो यह सब भी भेदभाव भक्तों को कभी करना पड़ता है यद्यपि किसी से द्रोह नहीं है उनको लेकिन यहाँ केवल प्रभाजी के शिष्य आएंगे और इधर आप लोग जाएंगे ये तो वही भी मंदिर में चल ही रहा होगा कोई बड़ी बात नहीं होता ही करना ही पड़ता है इट इज़ अ सर्विस विच अ पर्सन डजेंट वॉन्ट टू डू हमको अच्छे से अनुभव है हर बार यही होता था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा था तो गेट पे कौन खड़ा होगा कार्तिक में सारे अपराध सर पे कौन लेगा पॉइंट ये है ऐसे लगते यदि बोला नहीं जाता था लेकिन मैनेजमेंट से बोला जाता था, था भाई देखो ये सेवा है आप लोग अधिकारी हैं आप लोग सेवा करना चाहिए वो फालतू के झगड़े जिससे कोई मतलब ही नहीं झगड़े होते थे क्या करेंगे तो अब ब्रह्मा जी को आपको मुंह में डालने में क्या पड़ी व्हाट व्हाट डज ही केयर उन्हें क्या पड़ा है लेकिन क्योंकि हमें इंद्र तृप्ति की पड़ी हुई है इसलिए हमें सुविधा प्रदान करने के लिए भगवान के भगवान की तरह उनको सेवा दी गई अब करता हो तो फिर सृष्टि करता मतलब जीवों को भोग और योग दोनों की सुविधा देने वाले तो योग और भोग दोनों के लिए इंद्रियां चाहिए पर उसके बाद भोग करने के लिए ये विश्वास होना चाहिए कि ये सब मैं कर रहा हूँ ये मैं भोग रहा हूँ तो ये सारी सृष्टि उनको करनी पड़ी इसलिए इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो ये आज का श्लोक का विषय है कि इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और अब वह भगवान का ध्यान किए और भगवान का ध्यान करके वह जो सृष्टि किए वो है चार कुमार भगवान के ध्यान से पवित्र समझ लीजिए कि ये कीचड़ बनाए तो कीचड़ बनाए में उनके हाथ भी सने ना यू डेंट फील हैप्पी अबाउट दिस तम अंधता मिश्र अंध अंधा करने वाला अंधकार ऐसा कचरा मतलब लिटरली भरना तो वो उनका हाथ भी अच्छा नहीं हुआ उनका चित्त तो अच्छा नहीं लगा देखिए एक बात विचार कीजिएगा कि बनाने से पहले आपको सोचना पड़ता है डू यू एग्री है ना कि नहीं आप लोग रोज भोजन बनाते तो सु, सु, समझ रहे हैं ना और कुछ लोग अब कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसका नाम हम भागवत में नहीं रखना चाहते तो वह भी सोचते हैं कि नहीं आपके मन में मानो संकल्प आया कि हम आज खीर बनाएंगे ठाकुर जी के लिए उसमें कपूर डालेंगे तो वो सारी खीर तो आपके मन में पक जाती है कि नहीं आप बताइए कि मन में उल्लास होता है कि नहीं वो पके ना पके फुक जाए वो अलग बात है लेकिन आपके मन में एक संकल्प आए ना कि हम अच्छा चीज बनाएंगे आप लोग यहाँ संकल्प लेके आए थे कि आप लोग भागवत सुनेंगे मैं खुश था आई ऑफ वेट कर रहा था कि चलो आज इतनी अच्छी बात बताऊंगा तो आप पवित्र चीज जो करना चाहते हो जो कृत्य करना चाहते हो उससे पहले संकल्प भी तो पवित्र होगा ना इज इट ओके तो विचार भी तो अच्छे होंगे अब मैं कहूँ कि भाई इस सामने वाले व्यक्ति को मुझे अंधकार में डालना है मुझे उसके लिए मोह सृष्टि करनी है मुझे महामोह करना है मुझे अंत तामिश्र करना तो चित्त की अवस्था समझ पा रहे हैं आप क्लियर है ना मान लीजिए किसी गदगृहस्थ गर को सोचना है कि मुझे हिरण कश्यप को जन्म देना है <laughs> समझ रहे हैं ऐसा कोई करता नहीं है लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा है तो उसके मन में संकल्प क्या होगा संकल्प खराब होगा आप किसी गृहस्थ सोचे सोचे कि हम प्रहलाद को जन्म देंगे तो उसकी चेतना अलग प्रकार की होगी मैं ये कह रहा हूं कि जो कार्य है वह तो अच्छा बुरा होता ही उसके पीछे का संकल्प क्या होता है उस समय आपकी चेतना क्या हो जाती है तो ये सब जो सृष्टि की है तो ऐसा नहीं कि वो अपने आप आर्बिट्ररी उनको भी इस प्रकार की चीजों के बारे में चिंतन करना पड़ा कि मुझे लोगों के ये अविद्या का सृष्टि करने ही वॉज नॉट गुड इन कॉन्शियसनेस इसीलिए कह रहे हैं पे श्लोक में कि उनको अच्छा नहीं लगा मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं लगा ठीक है करने के लिए कहा गया है तो कर दे रहे हैं लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा तो वो अब कुछ अच्छी सृष्टि कर रहे हैं अविद्या की सृष्टि तो कर चुके हैं अब यहाँ श्लोक में आचार्यगण कहते हैं कि वो विद्या की सृष्टि कर रहे हैं उन लोगों की सृष्टि करेंगे जो इस अविद्या से बिल्कुल प्रभावित नहीं है वो चार कुमार आदि हैं वो भगवान के ध्यान से प्रकट हुए वो हम अभी देखते हैं मेरे पीछे बोलिए उसको हाथ में भी कैच कर सकते हैं दृष्ट्वा पापीय सृष्टि नात्म बहुव मन दृष्ट पापी फोन okay, so, um, नहीं किया oh, था कैसे दृष्ट पापीयसीम सृष्टि भाई मन समझ में आया कितना हॉट सीट है ये <laughs> वहाँ सब हंस लेते हैं कि वेदवाणी से कुछ गलत हो गया <laughs> अब जान मुझ के बिठाया गया दोबारा हंसेगी नहीं <laughs> ठीक है दृष्ट्वा पापीयसिम सृष्टिं नात्मानं भवमन््यत दृष्ट्वा पापीयसिम सृष्टिं नात्मानं भवमन््यत देखिए ये पापीयसिम है इट इज बड़ा ई पापीयसिम नहीं है पापीयसिम है दृष्ट्वा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बहव दृष्ट्वा पापीयसिं सृष्टिं नात्मानं बह्व्यमनत भगवद ध्यानपूतेन मनसान्यां ततोसृज भगवद्यानपूतेना मनसान्याम् ततोऽसृज भगवदध्यान पूतेना मनसान्यां ततोसृज भगवदध्यानपूतेना मनसान्यां ततोसृजा जात बोलिए दृष्टा पापी असीम सृष्टि नात्मान भव मन दृष्टवा पापी असीम सृष्टि ध्यान पूते नाम ततो सृजत भगवत ध्यान पूते नाम ततो सृजत ओके okay. बहुत बहुत बढ़िया शिक्षाएं भी हैं इसमें <laughs> ऐसी भ्रामक सृष्टि को पापमय कार्य मानते हुए ब्रह्मा जी को अपने कार्य में अधिक हर्ष का अनुभव नहीं हुआ यह क्या लैंग्वेज है मतलब थोड़ा हर्ष हुआ उनको ये तो मतलब है अधिक हर्ष का अनुभव नहीं हुआ देखिए एक बड़ी अद्भुत सी बात है पहले बात को पढ़ते फिर हम विचार करते हैं अधिक हर्ष का अनुभव नहीं हुआ अतएव उन्होंने भगवान के ध्यान द्वारा अपने आप को परिशुद्ध किया तब उन्होंने सृष्टि की दूसरी पारी की शुरुआत करी देखिए मैं उसको उदाहरण से समझाता हूं अमेरिका की सरकार ने एक साइंटिस्ट को बोला कि आप एटम बम बनाओ क्या नाम था ऑटोहान आई थिंक ऑटोहान इट वॉज समेटिंग द नेम बेटर टू फॉरगेट बट उन्हें बनाया और जब जापान पर ये बम फोड़ा गया तो वो प्रसन्न नहीं थे और वो भगवद गीता के श्लोक को कोट किए टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग कालो यम लोग प्रथा संस्कृत तो नहीं याद करे होंगे लेकिन टाइम आई एम अब जो हमने हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं यद्यपि वह सफल हुए मैन हैटन प्रोजेक्ट कहते हैं उसको तो वह उसमें सफल हुए और उन्हें बॉम्ब बना भी दिया तो सफलता मिली ना जब आप कोई कार्य करते हो तो वो कार्य करने से अगर वो उसमें सफलता मिल जाए तो आप उसको अच्छा मानते हैं लेकिन क्योंकि उसका उपयोग ठीक से नहीं होने वाला वो अच्छी वस्तु नहीं इसलिए अधिक हर्ष नहीं हुआ समझ पा रहे हैं बात भाई जीवों को भोग करने के लिए सुविधा चाहिए तो प्रदान तो कर दिए बट इट्स नॉट वॉट ही वॉन्टेड कुछ चीजें व्यक्ति कार्य करता है क्योंकि ऊपर से आदेश है तो वो सफलता से कर भी दिए लेकिन ऐसा नहीं कि वो खुद करना चाहते हैं आप समझ रहे होंगे भैया नहीं ड्यूटीफुली कुछ कर दिया और वो ड्यूटी पूरी तरह संपादित हो गई तो ठीक है ठीक है लेकिन ऐसा नहीं बस वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि बहुत अच्छा कर दिया अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं मान लीजिए कोई भक्त आते हैं और वो डाइट पे हैं मतलब मान लीजिए उनको भैया घी नहीं अलाउड है जीरा मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि घी नहीं अलाउड है जीरा नहीं ये नहीं वो नहीं आलू नहीं कुछ नहीं तो आप उनको बुलाए भी प्रसाद के लिए एक भक्त बोले थे कि बुलाएंगे उनको बुला के खिलाओगे कि पानी 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 एवरीवेयर वाटर वाटर तो आप बताइए कि, कि आप बना भी देंगे मान लीजिए आप चावल पानी वाला बना के दे दिए दाल बिना छोंक के दे दिए तो क्या माता जी बग संतुष्ट होंगे ऐसे आप जैसा था बना दिए लेकिन आप संतुष्ट नहीं होंगे ये क्या यार संतुष्टि नहीं भी ऑल तो मैं खाली मैं केवल इस बात को बता रहा हूं कि कार्य संपादित कर दिया लेकिन आप संतुष्ट नहीं होंगे हम तो लोग अनुभव है कि कभी मान लीजिए कोई सीनियर भक्त आ जाते हैं अब आपने खीर पुआ पकौड़े सब बना दिया कुछ खाएंगे ही नहीं वो खा ही नहीं सकते नॉट ईट दैट तो आप अधिक हर्ष का अनुभव नहीं करते यस यद्यपि आपने यद्यस्तुए बढ़िया से बना दी हैं लेकिन आप संतुष्टि का अनुभव नहीं कर रहे मैं केवल इतना समझा रहा हूं कि सफलता मिलने पर भी हर्ष का अधिक हर्ष का अनुभव ना होना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने खीर बनाई तो वो पाप है यह बात नहीं समझा रहा हूं इतना समझा रहा हूँ कि यू आर नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड तो जो कार्य दिया गया था पांच प्रकार की अविद्या की सृष्टि करना वो तो ब्रह्मा जी को ही करना था और कोई कर भी तो नहीं सकता तो उनके अलावा करेगा कौन Make sense? एक एक सोल्जर का इंटरव्यू था कहते आई डोंट लाइक टू किल पीपल बट आई हैव टू डू अपने देश की रक्षा करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है तो उन्हें कोई बहुत अधिक हर्ष का अनुभव नहीं हो रहा है so explain, कि यहां ब्रह्मा जी को बहुत अच्छा नहीं लगा कि लोगों के लिए अज्ञान की सृष्टि की है तो क्या किए वो अब उन्होंने अपने अपने आप को भगवान के ध्यान के द्वारा शुद्ध किया पूरी शुद्ध कर लिया और उसके द्वारा फिर सृष्टि करी और वो होंगे चार कुमार तथा तत्पश्चात ब्रह्मा जी पापी या वृत्ति की पापमय मैं सृष्टि मैंने सृष्टि को दृष्टवा देख कर सृष्टि करे और देखे कि इसे क्या होगा समझ गए एग्जाम्पल समझ गए इतना ओपन हैमर वाला जो भी कि भाई उसने सृष्टि कर दी बॉम्ब की अब देखा कि क्या विध्वंस होगा इससे है कि नहीं तो अब यही चीज देख रहे हैं कि ये मैं पापमय सृष्टि कर दिया हूं इसी से तो पाप होगा ये बात ध्यान रखिएगा कि हमने आज तक कोई भी पाप किया भी मत क्या ना कि मत किया है? नहीं किया है कि भोजन तो सब लोग किए ही है ना तो पाप करने का एकमात्र कारण क्या है अपने को देह मानना नहीं तो आप पाप कर ही नहीं सकते फिर पाप का मतलब क्या इंद्रित तृप्ति के लिए कार्य करना ये तो नहीं कि अब गिरिराज को प्रणाम कर रहे हैं तो ये पाप है ज इट एक्सेप्टेबल तो ये जो अविद्या की सृष्टि करी उसे होगा क्या व्यक्ति अपनेगा तभी पाप करेगा नहीं तो वो करेगा ही नहीं तो इसीलिए दृष्टवा कि वह देख ली कि जो मैं सृष्टि करे कर रहा हूं मोह की इससे लोग पाप करेंगे ही बेसिकली पाप का मतलब क्या है भगवान से विमुख होना वही मुख्य बात है पाप होने पाप करने की तो अब ये सभी लोग भगवान से विमुख होंगे और मैं उनकी सुविधा प्रदान कर रहा हूं तो यह देख करके आत्मानम आत्म आ, आत्मानम बहु न अमन्यत अमन्यता मतलब मानना और न अन्य अमन्यता मतलब बहुत नहीं मान्या उन उनके सृष्टा उनके सृष्टा स्वयं को अत्यधिक हर्ष का अनुभव नहीं हुआ आत्मानम मतलब उनके सृष्टा जो ये सब तम आदि की सृष्टि करी वो कौन किए हैं भगवान तो नहीं किए आरोप अगर लगाया जाएगा किसने किया तो कौन पकड़ा जाएगा ब्रह्मा जी पकड़े जाएंगे तब ब्रह्मा जी किए हैं तो कह रहे हैं ये सृष्टि की है लेकिन इनको बहुत अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसका काम जो है वो गलत चीज़ के लिए उपयोग होगा ठीक है तथा उसके बाद भगवत ध्यान पुतीना भगवान के ध्यान द्वारा शुद्ध होकर मनसा अन्यान असर्जत विशुद्ध मन से दूसरी सृष्टि को उत्पन्न किया तो दूसरी कार समझ लेना चाहिए ये अविद्या है तो दूसरी मतलब इससे डिफरेंट जिसमें अविद्या का ले भी नहीं होगा देखिए अविद्या का प्रभाव क्या किस रूप में दिख रहा है भोग इच्छा तो जो विद्या की सृष्टि होगी वो कैसी होगी जिसमें भोग का नितान्त अभाव होगा जिसमें स्वरूप का अप्रकाशन होना ही नहीं है आई होप एम क्लियर आप हो गया ऑलरेडी तो यू कैन कम फॉरवर्ड नो प्रॉब्लम ठीक सुना ही पड़ रहा है <laughs> मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कंपेयर करो अविद्या और विद्या तो अविद्या का प्रभाव क्या हो रहा है व्यक्ति अपने को नहीं समझ पा रहा है वो कौन है तो जो विद्या की सृष्टि होगी उसमें वो लोग बिल्कुल पहले से ही जाने रहेंगे कि वो है कौन उन्हें करना क्या है विल नॉट इंडल्ज इन सेंस वो कर ही नहीं सकते देखिए ये जो भद्द जीव है जब हम जब से पैदा होते हैं वो हम लोग योग करते ही नहीं है वो तो जब लाठी मारी जाती है कई बार समझाया जाता है कि भाई भक्ति करो अच्छा अच्छा भक्ति करना होता है नहीं तो हम भक्ति अपने से नहीं करते क्योंकि अविद्या से एकदम इक्वेशन क्लियर हो रही होंगी तो जो व्यक्ति की सृष्टि विद्या शक्ति से हो रही है वो क्या करेगा वो कभी इंद्र तिप्ति करेगा ही नहीं इसीलिए ब्रह्मचर्य अखंडतम आगे वाले श्लोक में आएगा मतलब श्लोक में नहीं आएगा उसके उनके बारे में हम प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में सुन चुके हैं चार कुमार जब से सृष्टि हुई है यानी कि ब्रह्मा जी की पैदा होने के समय से आगे और क्लियर होगा वो इस बार नहीं पैदा हुआ बहुत सारी बातें आने वाली हैं वो जब से है तब से ब्रह्मचारी है अखंडित ब्रह्मचारी है तो क्यों क्यों है वो क्यों आसान है वो अविद्या से प्रभावित है ही नहीं फॉर देम देर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेंस सेंसिफिकेशन वो कर ही नहीं सकते हैं आप समझ पा रहे हैं उसका मतलब कि वो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी सृष्टि हुई ही नहीं जैसे कहो कि सूर्य में अंधकार हो सकता है नहीं हो ही नहीं सकता है अरे कुछ तो प्रयास करो भाई कुछ तो अंधकार देखो नहीं वो अंधकार देख ही नहीं सकता है तो जिस जीव की या जिस व्यक्ति की सृष्टि विद्या के फंक्शन में हुई है वो अविद्या के कार्य कर ही नहीं सकता जैसे अविद्या में आप प्रकाश हो ही नहीं सकता है इस तरह की तेजस्वी सृष्टि करिए कैसे करिए भगवान भगवत ध्यान पूती ना भगवान के ध्यान से पवित्र होकर के बहुत बड़ी बातें आएंगी इस पर लेकिन अभी हम पहले इसको श्लोक को समझते हैं दृष्टवा पापी यसीम सृष्टि इस पापमय सृष्टि को देख करके ना आत्मान बहव मन्यता अपने आप को बहुत ज्यादा नहीं माने मतलब यह नहीं माने कि मैं बहुत बड़ा सृष्टा हूं कि मैं अविद्या की सृष्टि कर दिया जैसे प्रभात कहते हैं कि तो लोग तो मर ही रहे हैं तुमने तो बम बना करके जल्दी कर दिया ना तो कोई बड़ा काम नहीं किया कोई व्यक्ति ऐसा होता कि मरे को जिंदा कर दे तब मानता कि हमने बहुत बड़ा काम किया अगर इट किसी को, कोई भूखा है उसको अपने भोजन दिया तो संतुष्टि होगी मान लीजिए किसी की प्लेट छीन ली तो वह भी कोई कार्य हुआ ना तो इसको तो करके आप नहीं मानेंगे हमने बहुत बड़ा कार्य किया कि हम छह लोगों की प्लेट छीन लिए तो कार्य तो वह भी है ना तो कार्य है लेकिन इसको इसको इज नॉट ब्रह्मा है वो जाए, वो समझ नहीं रहा है कि, समझ रहे मैंने ये बात देखिए शास्त्र पढ़ने और सुनने के कारण मुझे याद रहता था जब हम गेट पे कभी खड़े भी होते बाद तो में बंदी करते होते तो हम जाएंगे कि कोई व्यक्ति आपको आशीर्वाद दे और या ना दे आपने भोजन भोजन भी दिया है प्रसाद दिया है तो वो हर कौर के संग भगवान का आशीर्वाद आप पर जा रहा है बिकॉज ही आप भोजन लेते हैं तो कितना संतुष्टि होती है शास्त्र का वर्णन है कि भोजन सुख है तो आपने भोजन दिया है तो वो उसे कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है और ना उसे जानने की जरूरत है बनाया किसने है लेकिन वो संतुष्ट तो होता है आप संतुष्टि करते हैं कोई भी भोजन करता है तो ही बिकम्स बिकम्स ब्लेस्ड ब्लेस्ड द पर्सन बाय कृष्णा तो मैं खाली ये बोलना चाहता हूं कि ये कार्य बहुत अच्छा कार्य है, है ना और किसी की प्लेट छीना तो अच्छा कार्य नहीं हाँ क्या किया अच्छा की प्लेट छीन के आया मेरा एक कजन है वो बोला हरे कृष्णा करते हो अरे यार फालतू बात मत कर तू <laughs> हरे कृष्णा करने के लिए बोल रहा है मतलब हरे कृष्णा उसे नहीं निकला ये सब बातें मत करो मुझे जाकर सुबह छह लोगों को गाली देनी है और नहीं क्या, सृष्टि कर रहे हैं तो कुछ लोग सुबह उठ करके गाली ही देंगे वो ऐसी सृष्टि करते हैं उसमें वह अपने आप को बहुत ज्यादा मानते हैं कि हमने छः लोगों को गाली दे दी और वो बाग वापस बैग गाली नहीं दे पाए तो उनकी चित्त खराब है ब्रह्मा जी श्रेष्ठ व्यक्ति हैं इसलिए बहुत नहीं माने कि बहुत अच्छा कार्य किया मैं नहीं माने क्लियर हो गया आगे बढ़ते क्या किए फिर भगवत ध्यान पुतेना पूत का मतलब होता है पवित्र पूता मद भाव मागता बहुत से लोग इस ज्ञान के द्वारा पवित्र होकर मेरे पास आए गीता में कहते हैं भगवान तो भगवत ध्यान पूते ना यानी भगवान के ध्यान के द्वारा पवित्र होकर कौन पवित्र हुआ है ब्रह्मा जी तब हम कौन सी गिनती में है यानी कि अगर हम पवित्र होना चाहते हैं अपनी चेतना को हम पवित्र करना चाहते हैं तो क्या है कृष्ण ध्यान चैंटिंग कृष्ण स्मरण भगवत ध्यान पू मनसा भगवत ध्यान के द्वारा पवित्र मन के द्वारा मन से सृष्टि की है ये चार लड़के हुए पत्नी कौन पत्नी नहीं है मन से सृष्टि कर रहे अन्याम तथा असृजत मन के द्वारा और वो मन कैसा है भगवान के ध्यान के द्वारा पवित्र एक बहुत बड़ा समझ में आ रहा है संतान को शरीर से नहीं संतान को मन से सृष्टि की जाती है प्रैक्टिकल देख लीजिए कैसे संतान आ रही है हिरणकश्य हिरणाक्ष वो भी आप देखेंगे इसी स्कंद में देखने वाले हैं या चार कुमार वो दो कुमार और ये चार कुमार ये चार कुमार विद्या की सृष्टि और वो दो कुमार अविद्या मन से ही सृष्टि होती देखिए सृष्टि के कार्य गलत नहीं है लेकिन सृष्टि की कैसे की जा रही है कैसे लोगों की सृष्टि की जा रही है देखना और अभी देखना अभी तो नहीं आज नहीं दिखा पाऊंगा कल दिखा देखना कि जब ब्रह्मा जी क्रोध में आएंगे तब क्या सृष्टि होती है वेरी डेंजरस सृष्टि वेरी इंटरेस्टिंग तो क्या चेतना से सृष्टि की जा रही उसके अनुसार मतलब संतान होती है श्लोक समझ में आ गया श्रुधरी देखिए पांच वृत्तियों वाली अविद्या की सृष्टि पापमयी थी उसको देखकर ब्रह्मा जी को प्रसन्नता नहीं हुई उस पश्चात उन्होंने तत्पश्चात उन्होंने श्री भगवान का ध्यान किया और दूसरी सृष्टि करी स्पष्ट सार दर्शनी यह है और अगले श्लोक दिखाते हैं कि विद्या के कार्य समझ so, में आए विद्या के कार्य क्यों विद्या अविद्या और प्रधान ये तीन फंक्शन है माया के तो विद्या शक्ति जो स्वरूप का प्रकाशन करने वाली वैसी शक्ति के कार्य उनके इफेक्ट ब्रह्मा से कुमारों और अन्य रूपों में प्रकट हुए यानी विद्या के जो इफेक्ट वो किस रूप में प्रकट हुए कुमार और अन्य लोग जो कि विद्या से युक्त थे ताकि यह दर्शाया जा सके कि ज्ञान या विद्या अज्ञान या अविद्या को नष्ट कर देती थोड़ा ये टेक्निकल बात समझाता हूं माया के तीन अंश हैं विद्या अविद्या और प्रधान तो प्रधान थे, पदार्थ और अविद्या जो है वो जीव के ज्ञान को कवर करने वाली तो विद्या शक्ति जो है वह उस अविद्या का नाश करती है लेकिन भगवत अनुभव नहीं देती है भगवान की जो अंतरंग शक्ति है जब उसके संपर्क में जीव आता है तब भगवान का अनुभव होता है विद्या शक्ति यह करती है कि अब आपको यह भावना नहीं होगी कि आप सिंकिंग इन ये भावना नहीं होगी कि मैं देह हूं तो इंद्र तीप्ति में नहीं लगेगा लेकिन भगवान कौन है यह समझ में नहीं आएगा भगवान तभी समझ में आते हैं जब अंतरंग शक्ति का संपर्क हो कुछ समझ पा रहे हैं विद्या शक्ति यू कैन से मोड ऑफ गुडनेस तो वह कुछ ब्रह्म का दर्शन कराती है व्यक्ति को अनुभव होता है कि वह देह नहीं है देह से पृथक आत्मा ये सब कुछ ज्ञान हो जाता है वो ज्ञानी हो जाता है लेकिन यह नहीं कि वो भगवान कौन है समझ लेगा भगवान को समझने के लिए उस व्यक्ति को

और वह सतगुण में से सुखी हो जाता देखिए यहां तो बोल है और यह मेरा बहुत पहले कंफ्यूजन था और मैं राधा श्याम सुंदर प्रभु से बात कर रहा था अब तो महाराज है तो वो कह रहे थे ना शुद्ध सत्व है तो पहले मैंने नहीं माना फिर मैंने टीकाओं को देखा तो एक्चुअली वहां सत्व का अर्थ है शुद्ध सत्व देखिए सत्व का कार्य क्या होता है सत्व का कार्य होता है प्रकाशन करने का एलिमिनेटिंग और शुद्ध सत्व में भी यह कार्य होता है एलिमिनेशन प्रकाश देने का इसलिए दोनों को साम्यता करके बोल दिया जाता है लेकिन सत्वगुण जो है वो भौतिक है और शुद्ध सत्व जो है वो दिव्य है तो यद्यपि यहां विद्या शक्ति बोला जा रहा है और विद्या शक्ति का मतलब है सत्वगुण की वृत्ति जो कि अविद्या के अपोजिट है लेकिन अंतरंग शक्ति अविद्या के अपोजिट नहीं वो डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर इट इज ट्रांसेंट्रल एनर्जी इसीलिए चार कुमारों को सीधे भगवान का अनुभव नहीं हुआ अभी आप टीका में देखेंगे क्लियर आएगा ये विद्या के फंक्शन है बाद में भक्ति करते हैं तो समझ में आता है आप लोग जानते हैं कि वो पापा से सुने थे कि <laughs> भीमा प्रभु बोले थे दे लर्न फ्रॉम देयर डैडी ब्रह्मा जी से सुने कि भगवान कौन है भगवान विष्णु है तो नहीं पता था ना ये पता था कि मैं देह नहीं हूं लेकिन ये नहीं पता था कि भगवान कौन है समझा पा रहा हूं मैं ये सोचना कि मैं देह हूं यह अविद्या का कार्य है ये सोचना कि मैं देह नहीं हूं यह विद्या का कार्य है लेकिन भगवान कौन है ये व्यक्ति अंतरंगा शक्ति के संपर्क से मालूम करता है आई होप इट इज वेरी क्लियर भाई देखिए ऐसा समझिए कि आप अंधकार में हैं तो नहीं पता कि सूर्य की प्रकाश भी क्या है अब सूर्य के प्रकाश में हैं तो उसको मतलब यह नहीं है कि आप देवता सूर्य देवता उसके पास पहुंच गए सूर्य के देवता के पास पहुंचने के लिए तो पूजा करना पड़ेगा ना वैसे आई होप क्लियर हो गया होगा ठीक है तो अज्ञान और अविद्या विद्या को ऐसे अच्छा समझना चाहिए ठीक है ताकि यह दर्शाया जा सके कि ज्ञान या विद्या अज्ञान या अविद्या को नष्ट कर देती है ब्रह्मा और अन्य जो ब्रह्मा के संपूर्ण जीवन के लिए जीवित रहते हैं ब्रह्मा के जीवन के पहले अर्ध अर्थात पहला परार्थ के अंत में अंत में परमेश्वर में प्रवेश करके भाई मजेदार बात है पढ़ूंगा आप देखना क्या इक्वेशन बन रही है जैसे ब्रह्मा अपने जीवन के दूसरे अर्ध में पहले दिन कमल से प्रकट होते हैं जैसा कि उन्होंने पद्म कल्पन पिछले दिन में किया था उसी प्रकार ब्रह्मा ने इस समय कुमारों और अन्यों को प्रकट किया हालांकि वे वास्तव में ब्रह्मा के सौ वर्षों के लिए जीवित रहते हैं अब कह दीजिए कि कितने कि कि लोगों को ये बात बताती थी इसको देख मेरी आंखें एकदम घोल हो गई अब समझ में आ रहा है कि कितनी गुहही बातें हैं हम ये सोचते हैं और कह लीजिए कि आज तक सोचते आए कल तक सोचते आए थे कि हर दिन ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी प्रकट होते तो चार कुमार की सृष्टि करते हैं ये श्लोक अगर आप देखेंगे तो यही मानेंगे ना अनुवाद पढ़ेंगे तो हाँ ब्रह्मा जी से प्रकट हो रहे हैं लेकिन वो बात अब गलत हो जाए क्योंकि उन लोगों की उम्र कितनी है जो लोग ब्रह्मा जी के दिन से अधिक जीते हैं तो आप उनका सामंजस्य कैसे बिठाएंगे और हमने यह भी सुना था कि जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है तो वह भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो विष्णु की आराधना करके ये फिर दोबारा कैसे पैदा हो गए तो हो, समझने का प्रयास करें ब्रह्मा जी के पहले दिन ब्रह्मा जी प्रकट हुए जब उनका वो तो ब्राह्मकल्प था पिछले पार्थ में हाँ, हाँ, फर्स्ट वाले तो अब वो जब पैदा हुए तो चार कुमारों को पैदा किए अब जो इनके पचास साल बीत गए तो एक सेरेमनी हुई स्पेशल फिफ्टी <laughs> सेंट कौन सा होता है वो सिल्वर जुबली है ना सिल्वर जुबली सेरेमनी हुई तो अब ये जाकर के सो गए भगवान विष्णु के साथ और इनके संग ये लोग भी प्रवेश कर गए ये जो लोग भी साथ इनके जीते हैं जो इनके दिन के एक्स बियॉन्ड जीते हैं जो इनके बराबर जीते हैं वह भी सब भगवान गर्भ गर्भोद विष्णु में चले गए और फिर जब ब्रह्मा जी आए यानी कि इस परार्थ में यानी कि अपने फिफ्टी फर्स्ट ईयर के पहले दिन में जब हुए तो फिर ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए और फिर अब वह इन चार कुमारों की सृष्टि कर रहे हैं एजेक की इनकी सृष्टि कभी हुई नहीं ये है सारा इक्वेशन क्वेश्चन वॉज इट नॉट इंटरेस्टिंग दिस इज दोबारा से करते हुए प्रतीत हो रहे हैं <laughs> यही तो बात है देखिए जिंदगी बीत जाएगी आदमी ये सोचता रहेगा कि हर बार चार कुमारों की सृष्टि करते हैं तो हर हर बार मतलब हर दिन लेकिन हर दिन नहीं होता है यही तो आपने सुना था कि जब प्रलय हो जाती है आंशिक प्रलय तो जन्म लोक का जन्म मतलब जो जो जनादय जनालय शब्द था कि जो जनलोक के निवासी हैं वो भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं तो स्तुति कर रहे हैं फिर वो दोबारा कैसे पैदा हो जाएंगे तो इसलिए ये समझना बड़ा रहस्यमय बात थी कि ब्रह्मा जी के पहले दिन के बाद सभी पैदा हो जाते हैं और उसके बाद जितने लोग भी आगे पैदा होंगे वो सब पैदा हो जाते हैं और उसके बाद हर दिन वह मरते वरते नहीं हैं वो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और उसके बाद ये पचास साल ऐसे होता रहता है पचास साल के बाद ब्रह्मा जी सिल्वर जुबली बनाते कहते बहुत दिन तुम लोग भाई सोने को भी नहीं मिला चलो छुट्टी करते हैं वो <laughs> भगवान विष्णु में लीन लीन नहीं सो जाते हैं प्रवेश कर जाते हैं और यह सब भी प्रवेश करते हैं और ये जो पहला दिन चल रहा है अभी उसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उसके बाद इन सबको प्रकट करते हैं अपने से ये पहला दिन चल रहा है ब्रह्मा जी के इक्यावनवे साल का पहला दिन है ये तो इसमें जब ब्रह्मा जी फिर कमल से प्रकट होते हैं तो उसके बाद फिर से ये सब लोगों की सृष्टि करते हैं और अभी करेंगे चार कुमारों को पैदा करेंगे और फिर कहेंगे शादी करो एवरीथिंग इज न्यू अभी अभी देखना क्या वो अभी नहीं करेंगे लेट सी व्हाट हैपेंस तो ये कल करेंगे आज नहीं करेंगे आज आगे आज तो बच्चे हुए हुए आज क्या बच्चे पैदा होते शादी कैसे कर देंगे बट आई थिंक दिस इज वेरी एक्साइटिंग चैप्टर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही सबको समझ में आ गया ना तो ये कुमार जो है हर बार पैदा नहीं होते कुमार और कुमार के बाद जितने लोग भी ब्रह्मा जी से डायरेक्ट पैदा हो रहे हैं वो बार बार पैदा नहीं होते है। ठीक है तात्पर्य यद्यपि ब्रह्मा जी ने विभिन्न प्रकार की अविद्याओं की सृष्टि की किंतु वे ऐसे अप्रशंसित कार्य को संपन्न करके संतुष्ट नहीं हुए समझ गए ना अब समझ में आया आप में से कोई प्रशंसा किया था कल वाह भाई वाह क्या तम नष्ट किया है आप लोग सभी सोच रहे थे यार ये क्या फजीहत कर दी है कल्याण प्रभु तो बहुत गुस्सा हो रहे थे <laughs> मतलब अगर ब्रह्मा जी के बाप होते तो कहते क्या बना क्या बना दिया है ना तो आप देखिए कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है कि अविद्या की सृष्टि कर जैसे कोई गेट पे खड़ा होता है तो कोई बोलता है भाई आप बढ़िया सेवा कर रहे हैं हमको आप प्रसाद से रोक दे रहे हैं कोई कोई रोकने कभी नहीं करने वाला कभी नहीं कोई सिक्योरिटी को थैंक यू बोलता है भी नहीं बोलता वो शायद शायद ही कोई थैंक यू बोलता हुआ जब स्पेशली उसको रोका जाएगा तो बिल्कुल तो थैंक यू नहीं बोलेगा तो ये अप्रशंसित कार्य है जीवों को मुंह में डालने वाला कार्य कर दिए को कर दिए तो उसको संतुष्ट नहीं होते तो कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे लोगों को लाभ हो उन्हें यह कार्य इसलिए करना पड़ा क्योंकि अधिकांश बद आत्माएं ऐसा चाहती हैं जैसे वह एग्जाम्पल है प्रसादम हॉल के बाहर गेट में क्यों मृत्यु खड़ा रहना पड़ता है क्योंकि सभी लोग एकदम एकदम मतलब बच्चे की तरह मचा लाते हैं देख करके हम तो है कि प्रसाद नहीं हुआ है लोग ऐसा हल्ला करता खत्म हो, हो गया जब तक अभी एक चम्मच नहीं चला है आप देखना अभी भी वही होगा मेरे कहा से कहानी तो चेंज नहीं हुई हमारे दस बारह साल में तो चेंज नहीं हुई अभी भी चेंज नहीं हुई होगी जस्ट नॉट और पीपल जस्ट क्रैश इन अरे हमारा तो आंख का अनुभव है बैम्बू का स्ट्रक्चर बनाए थे वो खाड़ कर फेंक घुस रहे ऐसा लग रहा है कभी खाए नहीं खाना और हमको अच्छे से याद है कुछ लड़के हम लोग फिर हम लोग जब बनाए थे तो छह फिट की हम लोग रे, रेलिंग बनाए थे तो उसको लोग फांद कर आ रहे थे क्या हो जाएगा तो तुम चार पाँच पहले तो मिनट तो थोड़ा पहले पहुंच जाओगे तो फिर मेरा दिमाग काम कर रहा था इसके ऊपर मैं कांटे लगा देता मच जैसा है चलाओ

ओके okay. यहां यह प्रश्न किया जा सकता है कि सर्वदयामय भगवान एक की सहायता स्मरण रखने में और दूसरे को विस्मरण करने में क्यों करते हैं वस्ता उनकी कृपा एक के प्रति पक्षपात के रूप में तथा दूसरे के प्रति शत्रुता के रूप में प्रदर्शित नहीं होती है भगवान के अंश रूप में जीव अंशतः स्वतंत्र है क्योंकि उसमें भगवान के समस्त गुण अंशतः पाए जाते हैं जिस किसी के पास थोड़ी सी भी स्वतंत्रता होती है वह अज्ञानवश उसका दुरुपयोग कर सकता है स्पष्ट सुन रहा है रिमोट कंट्रोल आपके पास है पता नहीं बटन क्या दबाना बटन खट दब गया और उसके बाद तो कुछ होना है सो हो ही जाएगा तो दैट दैट इज वेरी डीप स्टेटमेंट हम सब के पास हमेशा स्वतंत्रता होती है भाई साहब इस, इस शक्ति को समझिए आप आप और मैं जड़ पदार्थ नहीं हैं लेकिन उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की ही ट्रेनिंग मिली हुई है किस रूप में कि कृष्ण की सेवा नहीं कर रही है जितने भी लोग यहां उपस्थित हैं वह सब जान बूझ करके आए हैं आप लोग तो सुबह भी क्लास में आए थे ना आपको पता नहीं कि मैं क्या बोलने वाला हूं यहां पे आप सब मतलब क्या बोलने वाला नहीं पता होगा ये तो पता कि भगवान के बारे में बोलूंगा है ना न्यूज तो नहीं सुनाऊंगा तो यानी कि आप यहां स्वेच्छा से आए हो और जैसे जैसे व्यक्ति भगवान के बारे में सुनता जाता है वो और प्रबुद्ध ही बिकम्स मोर इंटेलिजेंट बुद्ध कि उसको अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करना है माया क्या कहती थी है माया कैसी प्रीचिंग कर रही सिंपल तुम सुखी नहीं रह सकते मेरे बिना जबकि एक्चुअली हम उसके साथ सुखी नहीं रहते ये कन्विंस करती रहती है कि ना दी अपने को झूठ बोल रहे हैं केवल मैं सच बोल रही हूं मेरा नाम है कपट लेकिन मैं आपसे सच बोल रही हूं ग्रेटिफिकेशन यू वंट भी हैप्पी सेम नहीं कोई प्रीचिंग नहीं है उसकी और हर बार जीव दुखी होता है ये जब तक अज्ञान जीव का नष्ट नहीं होगा वो अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रहा भाई आप केवल भगवान को प्रणाम करके भगवान के पास चले जाओगे आप अपना ही स्वेच्छा से कर रहे हो ना कि कोई आपको डंडा मार रहा है चल प्रणाम करने तो गला गाल, काट दूंगा नहीं यू आर डूइंग डूंगर ओन वॉल्यूशन इंग्लिश में कहते हैं लेकिन पता तो हो कि भगवान को प्रणाम करने से फायदा होता है ये बात कह रहे कि वर्ष। भाई जबरदस्त बात है आप किसी को भी अगर आप देखो ना कोई गलत कार्य करते हुए तो दोषारोपण मत करिए ही इज जस्ट डूइंग आउट ऑफ इग्नोरेंस उसको पता ही नहीं जैसे समझिए आप जंगल में हो और बिल्कुल अंधेरा है तो आप सही रस्ते पे है ना आप कह सकते हो कि आप सही रस्ते में हो आप ये कह ही नहीं सकते कि आप सही पे हैं कि गलत पे हैं तो जो लोग भी ज्ञान जो ज्ञान में पड़े हुए हैं जनरली हम लोग We, we, कैसे राइट द ऑफ ये पापी हैं खराब हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उनको पता ही नहीं है कि वो सही वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं फिर कहेंगे नहीं लोगों को पता रहता फिर भी गलत कर रहे हैं वो भी अविद्या के कारण हो रहा है ये लोग बहुत कम लोगों को पता है कि गलत कर रहे हैं जितने लोग सब मांस खा रहे हैं उनको पता है कि वो पाप है नहीं पता रहता है। और भी गलत सलत जो कार्य कर रहे हैं वेरी वेरी अमेजिंग ठीक है अब जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने को अच्छा मानकर अविद्या में जाने लगता है देखिए यही बात रहा था ना वो जो गलत कार्य कर रहा है वो सोच रहा है ये मेरे लिए बहुत अच्छा है वेरी वेरी तो सर्व दयालु भगवान सर्वप्रथम उसको पास से बचाने का प्रयत्न करते हैं किंतु जब जीव नरक की ओर गिरते जाने पर उतारू हो जाता है तो भगवान उसे उसकी असली स्थिति को भुलवाने में सहायता करते हैं समझ में भगवान की बड़ी सुंदर स्थिति बताई गई है देखिए कोई बच्चा जन्म लेता है कुछ एक इंट्यूशन आता है कि मुझे ये गलत कार्य नहीं करना चाहिए इट इज रॉन्ग और मैं अपनी बात बता रहा हूं हमारे घर में एक पपीते का पेड़ था लखनऊ में और बड़ा सुंदर पपीते निकलते थे एक दिन मेरे को ऐसे बच्चे में बच्चे होते ना उसे खुरा फाता है कि क्या ये एक कुदाली से काटा जा सकता है <laughs> अब ऐसा कोई कोई रीजन नहीं था एबसुलट अविद्या कुल्हाड़ी से काट सकते हैं क्या कुदाल समझते हैं ऐसे जो ऐसे होता है ऐसे नहीं होता इससे भी काट सकते हैं वैसे थोड़ा टूट गया हाँ ये तो कट रहा है <laughs> दिस इज बैड को काट रहे तू आधा ट्वेंटी हाँ ये काटा जा सकता है <laughs> अरे बेगूफी और अगले दिन वो पेड़ गिर गया और मेरी दादी सब उगाती थी इतना डांट लगाई तू नहीं काटा होगा मैंने कहा मुझे याद भी नहीं आ रहा था कि मैंने काटा है मैंने तो नहीं काटा है विविडली मुझे स्मरण है बड़ा मीठे पेड़ आते थे अब अब मुझे मारा तो बेटा नहीं गया था लेकिन पूछा गया था कि क्यों किया तो मेरे पास कोई उत्तर भी नहीं था कि मैंने क्यों किया अगर मैं तो समझाता कि कि मैं मैं जानना चाह रहा था कि मैं कुलाड़ी से काट सकता आ, कुदाल से काट सकता हूं कि नहीं दिस एब्सोल्युटली स्टूपिडिटी ना तो मैं खाली बस ये बोल रहा हूं कि जब मैं उसे काट भी रहा तब भी मुझे लग रहा था मैं काम अच्छा नहीं कर रहा हूं एज एज अ अ किड ऑल्सो इन इंट्यूटिंग ये गलत काम है और आज भी बात मुझे याद है कि गलत काम है आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब आप लोग गलती करना शुरू किए थे ऐसे नहीं कभी। जब भी जब भी गलती करना शुरू की तो आप देखेंगे शुरुआत में ना हृदय ऐसे ऐसे इट बच, बच, का स्पेशली। गलत काम है ये नहीं करना चाहिए जैसे मेरी माँ बता रही थी कि उनको मलाई बहुत अच्छी लगती थी तो बचपन में वो मलाई चोरी कर ली तो कुछ तो वो कहीं हाँ वो कथा सुनने गई घर की बात नहीं कथा सुनने कहीं कि कहते कि वो सुन ली बच्चे के रूप में कि कहीं कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसको ये होता है उसको वहाँ नरक में जाना पड़ता है इत्यादि इत्यादि उनके बाबा जी उनको लेके गए थे तो बाद में आई तो अपने बाबा जी के सामने रोने लगी बाबा जी हमें माफ़ कर दीजिए हमने मलाई चुराई <laughs> करके वो बच्चों को भी धर्म का बोध होने लग जाता है सुनने से तो आप समझ रहे हैं कि हृदय जब कोमल होता है तो कुछ गलत कार्य करने से पहले व्यक्ति डरता है यही बात रहा समझा रहे हैं कि जीव को भगवान वो परमात्मा के रूप में प्रेरणा देते हैं कि मत करो लेकिन जब वो ढीट हो जाता है नहीं मुझे करना है मुझे करना है तो भाई करो क्या कर सकते हैं फिर वो उसको कहते हैं तुम ऐसे ही करते चले जाओ और यही देखिए जगत में हो रहा है जो लोग जब गलत कार्य करने लगते हैं तो भगवान उन उनको एक अलग रूप में डाल देते हैं वो फिर वो गलत कार्य करना ही उनको अच्छा लगता है उसे किए बिना वो रह नहीं पाते तो आप इसके लिए भगवान को दोष नहीं डाल सकते हैं भगवान तो क्या कहते हैं उसको की तरह तुम ये ऐसा बनना चाहते तो दे भगवान सबसे निचले बिंदु तक गिरने में सहायता करते हैं स्वतंत्रता के दुरुपयोग से वे है कि नहीं दिस दिस मुझसे विमुख रहना चाहते हो ना तो बनो सूअर बनना चाहते हो सूर बन के देख लो कि क्या तुम सुखी हो परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं कृष्णा वॉन्ट आर लव मैं पैराफ्रेज ही कर रहा हूं एंड फॉर दैट वी वी हैव टू हैव है इंडिपेंडेंस भगवान हमारा प्रेम चाहते हैं और प्रेम के लिए स्वतंत्रता होना जरूरी है तो स्वतंत्रता हमको दिए हैं और इसमें वह रिस्क लेने के लिए भी तैयार है कि ये मुझसे बिल्कुल विपरीत जा सकता है बहुत ज्यादा विमुख भी हो सकता है कुछ समझ पा रहे हैं बड़ी सूक्ष्म बात है बहुत सूक्ष्म बात है ये आए तो सुख से प्रेम से रहे लेकिन जबरदस्ती मेरे साथ ना रहे दिस इज क्रिस्टस ह्यूमिलिटी वो स्वर्व समर्थक है तुमको मैं यहाँ पर रहना ही पड़ेगा वेरी वेरी बैड आपको अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद ना हो और उसके संग आपको रहना ही पड़े उसकी सेवा करना ही पड़े तो टॉर्चर हो जाएगा कि नहीं तो भगवान इस तरह से फोर्स नहीं करना चाहते हैं हम आना चाहते हो तुम प्रेम से आओ हम खूब मजे से रहो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन प्रेम नहीं है मुझसे विमुख रहना चाहता हो तो मैं फोर्स नहीं करूंगा ये कृष्ण का एटीट्यूड है सिंपल सारी बात यहाँ पर बहुत देखिए कि भगवान किस प्रकार से सोचते हैं ये हमको समझ में आ रहा है दुनिया में बहुत से लोग भगवान को जाकर अगर भगवान की पूजा कर रहे हैं तो लड्डू चढ़ा दिया ये चढ़ा दिया या वो खील बताशा खील बताशा चढ़ा दिया बस हो गया बट कैन यू अंडरस्टैंड हाउ कृष्ण थिंग्स हाउ सेंसिटिव पहले समझ रहे हैं हाउ सेंसिटिव कृष्णा इज कृष्ण कितने सेंसिटिव है वही व्यक्ति प्रेम कर सकता है जो सेंसिटिव हो ये बोले नहीं यहीं बैठना पड़ेगा तुमको <laughs> मैं द्रावा कर रहा हूँ <laughs> तो अब घबरा जाएगा नहीं क्यों यहाँ बैठना होगा क्यों यहाँ बैठे एक बच्चा भी बोलेगा यहाँ क्यों बैठे हैं वहां बैठेंगे है कि नहीं सोचोगे ना यस सोचती है तो इसलिए बड़े प्रेम से भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम करके देख लो क्या तुम सुखी हो इसीलिए भक्ति में भी आप देखो भगवान जाने नहीं देते हैं लेकिन जाने देते हैं मेरी भाषा समझे आप इंद्री तृप्ति करना चाहते हो तो भगवान कहते करके देख लो लेकिन अब यह भी नहीं कि इंद्री तृप्ति आपने कर ली तो कृष्ण कहते तो मेरी अपनी शक्ल मुझे नहीं दिखा सकते वो जिस शक्ल को तुम जिससे मुझो वो काला किए वही लेके मेरे सामने आ जाओ भजन करो है ना कई बार सोचते हैं हमसे गलती हो गई अब तो कृष्ण हमको नहीं स्वीकार करेंगे तो कौन कहेंगे और कौन है तुम्हें स्वीकार तो भाई तुमको मेरे अलावा कोई स्वीकार कर ही नहीं सकता कोई है ही नहीं मेरे अलावा स्वीकार करने वाला आई होप यूर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कृष्णा भगवान कृष्ण आप लोग जीवन में देख लो कि अरे यार चलो ये करके देख लेते हैं अब मुझे अब अपनी बात याद आ रही है दो हजार सात की घटना है <laughs> याद आ रहे थे चलो आज कोई देख नहीं रहा है चलो छोले भटूरे खाते हैं <laughs> तो गए होटल में खाने के लिए पैसा भी था भाई, नौकरी वोकरी कर रहे थे खूब समर्थ थे तो इतना खराब खाने को मिला हमने कह धर्म भी नष्ट हुआ और संतुष्टि भी नहीं हुई सो सो कृष्णा दैट यू यू नो और ये आप देखेंगे कि भक्ति करने के बाद खूब शास्त्र सुनने के बाद, बाद और जोर से बोलते हैं कि आप कुछ गलत करेंगे भी ना तो देखो ये गलत है ये गलत है, तुम ये गलत 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 है है तुम कर रहे हो अरे यार चुप नह, नहीं नहीं देखो शास्त्र में तुमने गीता में ये सुना था तुमने वो सुना था तो उसको एंजॉय ही नहीं करने देते हैं जाने देते हैं करके देखो लेकिन एंजॉय नहीं करने देते बिकॉज ही केयर्स फॉर अस तो ये चीजें हैं इस पर एक कथा ही आता रही है आप तो शिष्टोक को बोल के रुक जाएंगे सच्ची घटना एक व्यक्ति था स्कॉन का तो बहुत दिन भक्ति किया हो जो भी भक्ति किया वो फ्रस्ट्रेट हो गया हमको फ्रस्ट्रेट नहीं होता लेकिन वो फ्रस्ट्रेट हो गया हमको इतना इंद्रिय संयम करना नहीं हमको भक्ति कुछ नहीं करनी है तो वो ना दूसरी कहानी तो अब वो भगा वो कहा मैं ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ भक्तों की शक्ल भी न दिखे <laughs> तो पहुंच गया सरबिया सरबिया जानते कहाँ पे आपको आप जानते हैं सरबिया का आप जानते ही नहीं यही उसका उद्देश्य था कि जाने ही ना भक्त के हम पहुंचे कहा इधर मतलब रशिया के उत्तम कॉर्नर में ठंड वाले स्थान पे तो अब वो जैसे ही एयरपोर्ट से उतरा एक भक्त बोला गीता लेंगे <laughs> नहीं लेंगे नहीं चाहिए नहीं चाहिए और जैसे ही होटल में पहुंचा तो देखा वहां भी गीता रखी कहता है ये कृष्ण जाने नहीं देंगे हमको तो फिर वह भक्ति करने लग गया वापस से आ गया लाइक दैट सो ही ये हमको भक्ति का बड़ा अच्छा सिस्टम लग रहा है कि यू मे आफ्टर कमिंग टू भक्ति यू मे ट्राई टू सेंसेस बट यू कैन ओनली ट्राई क्योंकि वो सब बासी लगता है सब बासी लगता है वो कितना भी आप प्रयास कर लीजिए वो मन वहाँ पे लगने नहीं देंगे भगवान लगने ही नहीं देंगे तुम जमें मन लगा दी हो ना अब तुमको हमारा मन कहीं लगने ही नहीं दूंगा तो भक्तों को क्या करना चाहिए जब लगना ही नहीं तो लगाओ ही मत आप प्रैक्टिकल देखो आप प्रैक्टिकल देखना आज भक्त को मैं समझा रहा था और कौन थे वो हाँ मित्र आए थे उनके संग और मित्र आए थे आप सभी देखो ट्रेन के वॉशरूम में भी जाओगे और कुछ लिखा रहेगा तो उसे पढ़ते हो कि नहीं आप एक व्यक्ति कहते हो कि नहीं पढ़ते कुछ भी लिखा रहेगा कैन बी जस्ट एनी थिंग एनी डैम थिंग से कहना चाहिए आप कहीं जा रहे हैं तो सब जगह पढ़ने की आदत होती क्या लिखा है उसे कुछ नहीं हो रहा आपका ना कल्याण हो रहा है ना अकल्याण हो रहा है कुछ नहीं आंखों की प्रवृत्ति है पढ़ने की है ना लेकिन जब आप वही प्रवृत्ति को आप ग्रंथ पढ़ने में लगाते हैं यू फील डिफरेंट सेटिस्फेक्शन यू क्यों नॉट से इट इज नॉट ये है खाने की प्रवृत्ति है लेकिन प्रसाद ग्रहण करते हो संतुष्टि होती है ये तो हमने अनुभव किया है भाई बिल्कुल कि आप प्रसाद ना खाएँ कुछ और खा रहे हैं कितना भी अच्छा हो अच्छा नहीं लगता हो तो ये सब चीजें भगवान एक्सपीरियंशियल देते हैं ताकि व्यक्ति खुद अनुभव हो जाए कि भाई भक्ति करके ही मैं सुखी होगा थोड़ा समय लग सकता है कुछ लोगों को लेकिन सब धीरे धीरे करके सुखी हो जाते हैं क्यों लोग माया में जाकर फिर प्रभु जी क्या आज एक भक्त पूछे क्या आप लोग अभी भी साढ़े पाँच से जब करते हैं क्वाइट इंटरेस्टिंग यू नो थोड़ा सा फिशिंग करके आ सर्फिंग करके आ गया कि भाई जगत में अच्छा है कि नहीं हमने कहा हम लोग अभी साढ़े पाँच बजे ही जब करते हैं इट्स लाइक दैट मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जिनको भी आप भक्ति में कल्टिवेट करें तो उम्मीद यह करें कि वो भगेंगे बीच में बट यू रिमेन ओपन बिकॉज वेन दे विल जब वो बाहर देख के आएंगे यार कुछ है नहीं जब आप दिखने चाहिए कि इनके पास है कंटेंट जो हमें संतुष्ट कर सके बिकॉज दैट्स हाउ कृष्णा इज डीलिंग विद ऑल द लिविंग एंटिटीज आश्चर्य नहीं करना कि कोई ड्रॉप कर दे आश्चर्य करना अरे अरे मुकुंद सिविनी फिर क्लास में आ गई हाउ कम रत्नेश प्रभु आ गए इसमें आश्चर्य करिए कि रोज दिख जाए कोई ना दिखे तो कोई आश्चर्य नहीं प्रभाजी के है इतना ज्यादा माया का प्रेशर रहता है लेकिन इतनी बढ़िया बात यह है कि आप सभी लोग हम सब लोग माया के द्वारा संतुष्ट नहीं हो सकते ये बहुत बड़ा एडवांस एडवांसमेंट है हाउ कैन वी थिंक ऑफ स्पेंडिंग ऑफ इवनिंग इन एनी अदर वे एक्सेप्ट हियरिंग भागवतम इज इट नॉट कितनी जल्दी है, हो गया है ना और बल्कि अभी देखिए गीता समाप्त हुई नहीं अभी से मेरे को थोड़ी चिंता हो रही कि क्या पढ़ाऊंगा इसके बाद अभी तो सोलह है अभी तो सत्रह है अठारह तीन अध्याय है अभी तो बहुत दिन का है ना से राशन खत्म होने लगता है ना वो क्या करेंगे वो रोटी लाना क्या पढ़ाऊंगा उसके बाद भक्ति से सिंधु पढ़ाऊंगे क्या पढ़ाऊंगा ऑलरेडी आई एम थिंकिंग तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि व्यक्ति भगवान उसको अलाउ करेंगे करते हैं हमेशा करते हैं भक्ति में आने के बाद भी अलाउ करेंगे बट यू बी हैप्पी ये भक्ति का विशेष प्रभाव है व्यक्ति को दिखता है और कुछ है इसमें हाँ अरे वरी बात मजेदार है और मजेदार देखियो इस जगत में रह रहे प्राय रह रहे लिखा हुआ है हाँ वेरी गुड इस जगत में सड़ रहे प्राय सारे बुद्ध जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं अतः उन पर पांच प्रकार की दी है समझ रहे हैं, जैसे ये ले तम, चैन नहीं मिला ना तेरे को ये ले तू मोह उसके बाद महामोह उसके लिए उसके बाद अंधतम अरे भैया दब गए जैसे आप रजाई एक के बाद एक दबा ले अपने ऊपर तो आदमी कभी कभी इतनी रजाई ओढ़ लेता उठ नहीं पाता है अनुभव है आपको में बहुत ठंडा होता होगा तो आप देखते हैं कि एक राय उड़ता है दो उड़ता है तो तीन चार ऐसे उड़ कि वो खुद ही बाहर नहीं निकल पाता है ये स्थिति है अब ये कहेंगे कि जी, हम सड़ तो नहीं रहे हैं भाई हम तो ये हैं, हम तो तो ये वो है ये जो स्किन की एक लेयर अगर हट जाए ना तो समझे कि हम अपने ही चेहरे को देखना नहीं चाहेंगे कभी कभी लोग बोलते हैं आपके पेट में कीड़े टिकट नॉर्मल ना कि कम से कम एक आध दो कीड़े होंगे किसी किसी को तो सुनते हैं टेप वार्म होता है हम बचपन में बायोलॉजी में पढ़े थे कि वो छः फिट मकुम सेवनिंग कितने फिट का होता है टेप वार्म सिक्स फिट आई थिंक छः फिट हाँ कितने फिट का होता है छ फिट सही बोल रहा हूँ हाँ तो छह फिट का कीड़ा पेट में पड़ा हुआ है वो खा रहा है हमको फीस्ट की तरह मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ आंतों में चिपक जाता है और वो खून पीता रहता है करेक्ट आई थिंक यस हैजी में याद है और ऐसे कितने टेप वार्म और ये वार्म और वो वॉर्म बचपन से ही शुरू होता है कि नहीं बचपन में तो स्पेशली बच्चों को पेट में कीड़े होते हैं और ये जो शरीर से नाक से घी निकलता है काम में तो वो कौन बड़ा अच्छा होता है देखिए हमें तो ओपन बोलने में बड़ा मजा आता है एक बार हम जैसे मंदिर में कीर्तन कर रहे थे तो ऐसे ही कीर्तन हो रहा था भक्त लोग कीर्तन कर रहे तो ऐसे कोई भी सुंदर स्थिति होती ध्यान चला जाता है तो ऐसे ध्यान ऐसे एक सेकंड लग गया देखा हुआ तो चीख दिया और तुरंत बाहर आ गया, और गया। ये सौंदर्य <laughs> है ना भगवान एकदम कर जस्ट हाउ आज तक मुझे वो, 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 वो रूप याद नहीं लेकिन जो घी तो आप देख रहे हैं कि कितना सड़ रहा है मेरा शरीर क्या रखेंगे बताइए क्या है बॉडी में और ना समझ में आए तो कल सुबह तो समझ में आ ही जाएगा है ना एक, एक बात हमारे महाराज बड़ा मजदार बोलते हैं कि एक बार एक व्यक्ति उस टूल पास करने के लिए गया तो उसको देख कर उसको अपना ही स्टूल देखा उसको घिना कितना करे तो तुम तो वो जो पॉटी था वो उसको बोलने लगा मैं नहीं करे तू आई एम नॉट बैड तुम खराब हो तो मैं कैसे होराब हूं ते कल शाम को मैं बहुत सुंदर समोसा था और देखो एक रात का तुम्हारा संगत होने से मेरी क्या गति हो गई है तो ये स्थिति की सड़ कोई स्थान सड़ रहा हो उसमें अच्छी वस्तु डालेंगे तो सड़ जाती है कि नहीं यह है ना तो यही महाराज समझा रहे हैं कि ये देह अत्यंत परम जब वृंदावन चंद महाराज समझा रहे है, बहुत है। तो कहेंगे, आप डॉक्टर हैं आप तो साधु है ना आपको पता कि देह खराब है तो भाई देह अच्छा होता तो इसके छिद्रों से कोई अच्छी वस्तु आती ना तो छिद्र से एक भी अच्छी वस्तु नहीं आती है इसे समझना चाहिए प्रधानमंत्री बन गया है तो बहुत अच्छा है व्यक्ति ये बन गया है वो बन गया है लेकिन सभी लोग चाहे किसी भी अवस्था में हो वो एक सड़ रहे शरीर में है अब यहां परपात कहते हैं प्राय सारे बद्ध जीव मतलब सभी लोग जो इस सड़ रहे शरीर में हैं सभी लोग भक्ति नहीं कर रहे हो ऐसा नहीं है कुछ लोग ऐसा हो सकता है जो इस सड़ रहे शरीर का उपयोग अच्छी चीज के लिए यानी भगवान की भक्ति के लिए करें लेकिन प्राय प्राय सब भोग में लगे हुए उन पर अविद्या थोपी जाती है ध्यान रखिएगा कि जो भक्ति कर रहा है उसकी अविद्या क्रमशः नष्ट होती जा रही है एंड दैट्स आई यू फील ईजी यू फील ईजियर टू डू भक्ति जैसे जैसे भक्ति करते जाते हैं भक्ति के प्रभाव से अविद्या के जो लेयर्स हैं वो समाप्त होती जाती हैं तो आपको बहुत आसान लगता है मैं कहूँ कि अब क्या नाम है नाभ कर नाम ही भूल जाता हूँ मदन मोहन प्रभु तो एक माला तो कर लेंगे ना तो हाँ एक माला तो कोई दिक्कत नहीं है और मैं दूसरे भक्त को पूछूंगा कि चार माला कर लेंगे तो बाप ने चार माला रोज करनी है क्या मैं कुछ गड़बड़ नहीं कह रहा आप माला करना शुरू करो बाद में कहेंगे आप आई सो 16 सो इजी सिक्सटी नॉट सो इजी ये भक्ति ही आपको देखेंगे कि भक्ति करने में समर्थ बना देती है इट्स वेरी इजी सिक्सटीन नॉट्स तो कैसे कम करना होता है बहुत सी लोग सुंदरा माता जी सोलह माला करती है ना एक माला में कोई दिक्कत नहीं ना लेकिन जब व्यक्ति शुरुआत करता है लगता तो हम एक माला करते हैं <laughs> एंड एवरी डे वन राउंड वेरी डिफिकल्ट भक्ति ही अविद्या को नष्ट कर देती है समझ के बाद आगे पढ़ते हैं ब्रह्मा जी भगवान के आज्ञाकारी सेवक के रूप में अविद्याओं की आवश्यकताओं अविद्याओं को आवश्यकताओं के रूप में उत्पन्न करते हैं किंतु ऐसा करते हुए प्रसन्न नहीं होते क्योंकि वह स्वाभाविक है यह स्वाभाविक है कि भगवत भक्त किसी को उसके

उसे कहते हैं निरुपाधिक करुणा ये व्यक्ति स्त्री है ये व्यक्ति पुरुष है ये पढ़ा लिखा है या ये नहीं पढ़ा लिखा है ऐसे करके कृपा नहीं होती है ये पढ़ा लिखा नहीं तो ये दुख ज्यादा मतलब प्राप्त कर रहा है ये जो पी एच डी किया इसका दिमाग ज्यादा खराब है वजन नहीं कर पा रहा है एंड वॉट हैपन्स आप देखेंगे अपने जीवन में जब आप भक्ति करते हैं तब आपको अपने आप ये अनुभव होता है कि हम भक्ति करके कितनी सुखी है जैसे अभी आप लोग कुछ लोग यहाँ थोड़े मतलब भूखे हैं तो सबको महसूस हो रहा है ना कि भूख क्या होती है यद्यपि मुझे आपकी भूख नहीं महसूस हो रही है लेकिन मुझे अपनी महसूस हो रही है तो उससे महसूस हो रहा है कि आप लोगों लोग कुछ कष्ट होगा इसलिए क्लास लंबा नहीं करूंगा है कि नहीं आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस भोजन के बाद जो संतुष्टि मिलती है वो आपको अनुभव होता है लेकिन क्या दूसरे के कष्ट को आप नहीं समझ पा रहे हो इसे कहते हैं चाहे वो व्यक्ति पैसे वाला हो और चाहे पैसे वाला नहीं हो भूख तो सबको बराबर से कष्ट देती है ना तो उस प्रकार से जीव जब भक्ति करता है तो समझता है कि भाई मैं भगवान से विमुख होकर कितना परेशान था और इसीलिए लोगों को प्रयास करा जाता है कि अच्छे से जब करें भक्ति करें तो वो उनको खुद अनुभव हुआ कि भाई भक्ति कर कितने सुखी हैं

अगर आप सब हम बोल सकते भाई मैं भी नहीं वो सब करके हमने कुछ देख लिया इससे कुछ हुआ नहीं आप भक्ति करिए वो सब सुखी हो जाएंगे एंड दैट वुड बी रियलाइजेशन नॉट सिंपली थ्योरी तो बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ब्रह्मा जी खुद कितने सुखी हैं आपको याद है ना आज मैं आपको समझ गया भगवान को बोले थे ना हमने 3.9.1 था ज्ञातो सिमेद्य सुचिराननु देह भाजाम ना ज्ञायते ना ज्ञायते गतिर अवध्य में शिक्र श्लोक था बहुत अच्छा श्लोक था कि हे hey भगवान मैं आपको जान गया हूं और ये जो देह धारण करने वाले हैं उनका एकमात्र दोष यो है कि वो आपको नहीं जानते हैं जितना सुख मुझे आज प्राप्त हुआ है हम तो बड़े कृतार्थ होकर इन लोगों के संग यही दिक्कत है कि फालतू की चीजें पड़े हुए हैं याद आ रहा होगा श्लोक आप लोग हम लोग थ्री देख लेना आप तो ब्रह्मा जी ऐसा अनुभव करने के बाद क्या ऐसी उनको ऐसी सेवा दी गई जिसके द्वारा लोग जानबूझ करके ही प्रवृत्त होंगे लेकिन उनकी इच्छा अच्छा करेंगे इसलिए ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए वो समझ गए कि प्रसन्न कैसे हुए थे वो अति प्रसन्न अधिक प्रसन्न कैसे हुए थे कृष्ण का दर्शन प्राप्त करके विष्णु की सेवा प्राप्त करके कुछ समझ पा रहे ना बात तो इट वॉज दैट वाई वॉज नॉट हैप्पी तो जो वास्तविक भक्त है वो लोगों की सहायता कर पाए या ना कर पाए लेकिन दूसरों लोगों को वो अंधकार में जाता हुआ देख करके सुखी नहीं हो सकता He's not happy. वो देखता है कि लोग कैसे समय बर्बाद कर रहे हैं या देखती है जैसे कह लीजिए एंड दैट्स वी प्रीच जो व्यक्ति साक्षात्कार के मार्ग की परवाह नहीं करते उन्हें भगवान उनकी दुष्प्रवृत्तियों को जी भर के करने देते हैं और ब्रह्मा उसमें निश्चित रूप से सहायक बनते हैं ही हैजू बी लेकिन भक्त लोग विपरीत तरह से कार्य करते हैं इन द सेंस वो जानते हैं कि लोग तो अज्ञान में जाएंगे हमारा कर्तव्य है कि भगवान के बारे में उन्हें बताना एट और उसमें बताने के चक्कर में कुछ लोग जरूर सुन लेते हैं अगर बताया जाएगा तो कुछ लोग तो जरूर सुन लेंगे ना आपके अंबर जी कोई नहीं सुनता तो आप किसे सुन रहे हो जब कोई नहीं सुनता तो फिर आपको भी नहीं सुनना चाहिए था आप किसे सुन रहे जब आप सुन रहे हैं तो आपके आपके पहले वाला भी सुन करके आया आप भी सुन करके आए तो अन्य लोग भी सुन करके आएंगे मौका तो दीजिए बोल आप बोलो तो सही बोलो तो सही तो यहाँ रुकते हैं ब्रह्मा जी आप प्रसन्न है थोड़े से प्रसन्न है उनको अप्रसन्न नहीं छोड़ देते हैं उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा और भगवान के ध्यान से पवित्र होकर वो सृष्टि करेंगे वो विद्या की सृष्टि होगी वह हम लोग कल देखेंगे भगवान ने चाहा तो कोई प्रश्न तो नहीं मेरे खास से सब कुछ समझ में आ रहा होगा प्रपात का तात्पर्य बहुत बढ़िया था मैं आज एक बात को बोल के रुकूंगा आज सुबह मैं भक्तों को जब करता हुआ देख रहा था कि इक्कीस बाईस चौबीस मैक्सिमम चौबीस साल के लोग उम्र होगी

जितना ट्रांसफॉर्मेशन जीवन में आए कितनी प्रसन्नता होती है तो ये चीजें बड़ी अच्छी लगती है जब किसी को भक्ति में प्रगति करते हुए देखिए हम भगवान के पास किसी को क्या भेज पाएंगे लेकिन भगवान के पास तो भेज ही दिया ना समझे मेरी भाषा कृष्ण से जोड़ तो दिया है ना ये चीज शुरुआत में लोगों को नहीं समझ में आती बट वंस वंस यू कनेक्ट कनेक्टर्सन टू कृष्णा कृष्ण का यार बस हाथ बहुत, बहुत, बहुत चुटिया पकड़ा दे इसकी तू <laughs> किसी तरह पकड़वा दे फिर बाकी कम तो मैं कर लूंगा भले मजाक में कह रहा हूँ लेकिन भक्ति का संस्कार इसको जा, एक बार बन गया प्रसाद खाया कीर्तन किया कथा सुनाए वो कभी नहीं भूल सकता कि ये चीज उसके जीवन में घटित हुई थी वेरी वे उसको फिर वापस स्मरण होगा फिर व्यक्ति वापस आए इस प्रकार से आएगा विल नाउ श्रीमद भागवतम की जय श्रील प्रभुपात की जय निता गौर पिमानंद